पश्चिमी एशिया का देश कतर इस वक्त चर्चा में है, और हो भी क्यों ना। वहां दुनिया के सबसे बड़े आयोजनों में से एक फीफा वर्ल्ड कप जो हो रहा है। 29 दिन चलने वाले वर्ल्ड कप के आयोजन के लिए कतर 12 साल से तैयारी कर रहा है। उसने 7 नए स्टेडियम, 100 से ज्यादा होटल्स, नई स्मार्ट सिटी, नया एयरपोर्ट और नई मेट्रो लाइन तक बना दी, जिसमें 6000 से ज्यादा नेपाल और भारत के मजदूरों की मौत भी हुई है। कई रिपोर्ट्स की माने तो आज तक जितना कुल मिलाकर वर्ल्ड कप पर पैसा खर्च हुआ है, कतर ने मिलाकर उससे ज्यादा पैसा खर्च कर दिया है। लेकिन उसके पास इतना पैसा आया कहां से? जिस मुस्लिम देश पर मानवाधिकारों की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगता है, वहां ये वर्ल्ड कप हो कैसे रहा है, चलिए सब बताते हैं आपको इस वीडियो में। बता दें कि कतर का क्षेत्रफल कुल 11,571 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की जनसंख्या करीब 28 से 29 लाख बताई जाती है। यहाँ की करेंसी रियाल है। कतर की राजधानी दोहा है। इस देश के प्रधानमंत्री खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल थानी है और राष्ट्रपति तमीम बिन हमद अल थानी है। GDP के मुताबिक कतर दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश है, लेकिन 70 साल पहले तक इस देश का ऐसा हाल था नहीं। इस देश का इतिहास तो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कतर को फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी मिली कैसे। बता दें कि दिसंबर 2010 में ज्यूरिख के फीफा हेडक्वार्टर में कतर को 2022 के विश्व कप की मेजबानी मिली थी। हालांकि इसके तुरंत बाद ही इस मेजबानी पर सवाल खड़े उठने लगे थे। तब कहा गया था कि ना तो इस देश के पास ऐसा आयोजन कराने का कोई अनुभव है, ना तो ये देश खुद वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर पाया है, ना तो कतर क्षेत्रफल और आबादी में भी छोटा देश है, और ना ही उसके पास आयोजन कराने के कोई रिसोर्सेज हैं। फिर उसे कैसे मेजबानी दी गई? आने वाले सालों में फीफा के कई अधिकारियों पर घूस देकर मेजबानी देने का आरोप तक लगा। हालांकि कतर ने अपने बिडिंग डॉक्यूमेंट में दावा किया था कि वो इस आयोजन के लिए 5.2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर सकता है, और हुआ भी ऐसा। 12 सालों में कतर ने हर हफ्ते 400 करोड़ रुपए खर्च करते हुए इस आयोजन को अब तक के इतिहास का सबसे महंगा आयोजन बना दिया। कतर ने कुल मिलाकर 17.9 लाख करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। लेकिन एक ऐसा वक्त भी था जब कतर के लोग यहां से गरीबी के कारण पलायन करने को मजबूर थे। कतर के इतिहास के बारे में बात करें तो यहां पर साल 1783 में कुवैत के अल खलीफ वंश ने शासन किया। इसके बाद कतर पर तुर्की ने कब्जा कर लिया। जब 1914 में पहला विश्व युद्ध हुआ तो उस पर ब्रिटेन ने अधिकार कर लिया। साल 1971 में ब्रिटेन ने कतर को आजाद किया, उसका अधिकार सऊदी अरब को दे दिया। लेकिन इसके ठीक एक साल बाद ही खलीफा बिन हमद ने कतर को आजाद घोषित कर अपना शासन शुरू कर दिया। इसके साथ ही कतर का काया पलट भी हुआ और वो दुनिया में दूसरे नंबर पर अमीरी पर पहुंच गया। कहा जाता है कि 100 साल पहले कतर में खानाबदोश लोग रहा करते थे, यानी ऐसा समुदाय जो एक जगह पर ज्यादा दिन नहीं रहता। ये लोग मछली पकड़कर या मोती बीनकर अपना गुजारा करते थे। ये लोग खाने या पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह भटकते थे। साल 1930-40 में कतर के लोगों के हालात उस वक्त खराब हो गए जब जापान में भी मोतियों का उत्पादन शुरू हो गया। इससे कतर के लोगों के काम धंधे ठप हो गए और ये लोग अपने देश को ही छोड़ने पर मजबूर हो गए। एक समय पर कतर की आबादी 25,000 पर पहुंच गई। लेकिन कतर की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। साल 1939 में ब्रिटेन की कंपनी ने कतर में तेल खोजने के लिए काम करना शुरू कर दिया। तेल दोहन की वजह से कतर में काम धंधों में तेजी आई, जिससे बाहर गए कतरी वापस आकर देश लौटने लगे। हालात ये हो गए कि कतर की आबादी साल 1950 में 25,000 से बढ़कर 1970 में 1,00,000 के पार पहुंच गई। इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था भी $300 मिलियन तक पहुंच गई। जब अंग्रेजों ने कतर छोड़ा तो वो आर्थिक रूप से एक समृद्ध देश बन चुका था, बस उसे अपने इस विकास को चारों ओर फैलाना था। हालांकि कतर मानवाधिकारों के हनन के लिए भी जाना जाता है। अपने बचाव के लिए उसने BBC की तर्ज पर अल जजीरा जैसा इंटरनेशनल चैनल शुरू किया, जो किसी भी देश के खिलाफ कतर का सबसे बड़ा सॉफ्ट वेपन बन गया। इसके जरिए कतर ने कई मुस्लिम देशों में सरकारों को बनाने और गिराने का काम किया। अपने देश में पर्याप्त आबादी ना होने की वजह से कतर ने अमेरिका, फ्रांस जैसे देशों को अपने यहाँ आमंत्रित तक किया, अपने यहाँ पर सैन्य अड्डे बनवाए। इसके साथ ही उसने यूरोप के कई देशों में संपत्तियों में निवेश किया, जिससे तेल खत्म होने के बाद भी उसकी अर्थव्यवस्था पर चोट ना आए। दुनिया में धाक जमाने के लिए कतर ने 22वें फीफा वर्ल्ड का आयोजन किया। इसके लिए उसने 17,00,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुका है। इस फुटबॉल वर्ल्ड कप को इतिहास के सबसे महंगे वर्ल्ड कप में शुमार किया जा रहा है।
लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आखिर में ये उठता है कि क्या कतर को अब अलग पहचान मिलेगी? लगता तो नहीं है। आयोजन की ओपनिंग सेरेमनी में यूरोप के कई देशों के कोई भी शीर्ष नेता नहीं पहुंचे, क्योंकि कतर कट्टर इस्लाम का बड़ा पैरोकार रहा है। दुनिया में मस्जिद, मदरसों और जमातों को कतर के अमीरों की ओर से हर साल भारी फंडिंग दी जाती है, और इसके पीछे कतर का उद्देश्य है दुनिया के सभी मुसलमानों का एक छत्र नेता बनना। तालिबान से लेकर IS और अलकायदा जैसे कट्टर आतंकी संगठनों के साथ भी वो अच्छे संबंध रखता है।